एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 21st ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सामिया सुलहु हसन, हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट हैं तंजानिया की, जो कि लार्जेस्ट कंट्री है ईस्ट अफ्रीका रीजन में, ठीक है। और तंजानिया किस लिए फेमस है? अपने किलिमंजारो नेशनल पार्क के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, ये अभी प्रेजेंट में ओनली फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट है अफ्रीका के अंदर, फाइन। तो अब क्यों न्यूज में है ये? क्योंकि हाल ही में इन्होंने मीटिंग की है कमला हैरिस के साथ में। और कमला हैरिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट बनी थी यूएसए में, ठीक है। और ये जो मीटिंग इनकी हुई है, ऐसा माना जा रहा है कि अब इस मीटिंग के बाद तंजानिया में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसकी वजह से ये लोग यहाँ पे ज़्यादा आने लगेंगे, ठीक है। तो बस इतनी सी न्यूज़ थी, इस वजह से ये लाइट में बनी हुई है, फाइन। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे हम। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेटेड इट्स फर्स्ट एवर बीच फेस्टिवल आई सी पौंडी 2022? तो ये हाल ही में कंडक्ट किया पुडुचेरी ने, और ये पुडुचेरी का पहला ऐसा बीच फेस्टिवल था जिसको कि डिफरेंट बीचेस पे इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन? तो हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको डेवलप किया है, किस लिए? ताकि जो माइग्रेंट वर्कर्स का मूवमेंट होता है उसको ट्रेस किया जाए कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्ड द डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, द फर्स्ट मेड इन इंडिया कमर्शियल प्लेन ऑफ अलायंस एयर? तो सबसे पहले ये भी शायद पूछा जा सकता है कि जो पहला मेड इन इंडिया कमर्शियल प्लेन है अलायंस एयर का, उसका नाम क्या है? तो ये नाम याद रखिएगा। और किसने इसको मैन्युफैक्चर किया है? याद रखिएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। और पहले हमने HAL के बारे में और क्या पढ़ा है? इन्होंने अभी हाल ही में पहला सेट गगनयान हार्डवेयर का मैन्युफैक्चर करके इसरो को हैंडओवर कर दिया, ठीक है। हु इज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू हिट 10,000 रन्स इन T20 क्रिकेट फॉर मेन? ये कौन है? रोहित शर्मा, ठीक है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि जसप्रीत बुमराह जो कि एक क्रिकेटर हैं, ये कौन सी चीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ द लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड? तो ये अवार्ड इस साल से ही स्टार्ट हुआ है और इसके पहले अवार्डी हैं, मतलब पहले रेसिपियंट हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द लीगल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स? तो इक्वाडोर ऐसी पहली कंट्री बन गई है जो इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके लीगल राइट्स को अब से ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ऐसा पहला इंस्टीट्यूट है जिसने कि पहला वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशू किया है, किस लिए? जो अफ्रीका के ब्लैक राइनोज हैं उनको सेव करने के लिए, ठीक है। विच इज़ द फर्स्ट हिंदी नॉवल टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए पहली हिंदी नॉवल कौन सी नॉमिनेट हुई है? आंसर है टोंग ऑफ सैंड, ठीक है। आपको कमेंट्स में लिखना है कि इसके ऑथर कौन है, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इसको ट्रांसलेट किसने किया है इंग्लिश वर्जन में, ओके। इसके अलावा ऑस्कर अवार्ड दिया गया है बेस्ट पिक्चर की कैटेगरी में इस साल किस मूवी को? कॉडा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड हेमोफीलिया डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे हम ऑब्जर्व करते हैं 17 अप्रैल को, किस लिए? ताकि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अबाउट हेमोफीलिया, जो कि एक तरह का इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये एक तरीका आप कह सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो ब्लड की कैपेसिटी होती है क्लॉट होने की, वो काफ़ी ज़्यादा हार्म हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर ब्लड बह रहा है तो फिर बह ही रहा है, वो रुकता नहीं है, ठीक है। इसके से होता क्या है कि अगर आपको थोड़ी सी भी इंजरी, माइनर इंजरी कोई हो गई है, तो फिर ब्लड इतना ज़्यादा बह जाता है कि बचना मुश्किल हो जाता है यूजुअली, ठीक है। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया ने
शुरू किया था वर्ल्ड हेमोफीलिया डे को ऑब्जर्व करना सिंस 1989, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स देखेंगे। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022? तो वर्ल्ड हेरिटेज डे हम हर साल मनाते हैं 18th of April को। क्यों? ताकि हम अवेयरनेस रेज करें कि किस तरह से हम अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसी दिन को हम इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट के नाम से भी जानते हैं। इस साल के लिए थीम क्या थी? हेरिटेज एंड क्लाइमेट, ठीक है। याद रखिएगा, इंडिया के अंदर अभी 40 यूनेस्को रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, और जो सबसे ज़्यादा रिसेंट इसमें है वो कौन सा है? हमारी जयपुर की सिटी और हड़प्पन साइट ऑफ धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल फायर सर्विस डे 2022? ये हम ऑब्जर्व करते हैं 14th of April को, और इस साल के लिए थीम थी लर्न फायर सेफ्टी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द सबका विकास महाक्विज कंडक्टेड बाय माय गवर्नमेंट? एक्चुअली इस क्विज को क्यों शुरू किया गया है? ताकि जो वेरियस गवर्नमेंट स्कीम होती हैं उनके बारे में लोग अवगत हों, मतलब उसके फायदे लोगों तक पहुँचाए जाएँ, क्या बेनिफिट है उसमें, साथ ही साथ जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, ठीक है। और सबसे पहले क्विज कंडक्ट की गई किस पे? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पे, ठीक है। तो इसके लिए थीम थी आत्मनिर्भर भारत। व्हाट इज द थीम ऑफ द अर्थ आर इन 2022? सबसे पहले अर्थ आर हम कब मनाते हैं? याद रखिएगा, ये हर साल बदलता रहता है क्योंकि कोई फिक्स दिन नहीं है इसका। ये हम सेलिब्रेट करते हैं लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च मंथ में, ठीक है। और इस साल ये दिन पड़ा था 26th of March को, और थीम क्या थी? शेप आवर फ्यूचर, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2022? ये हम मनाते हैं 21st of March को, और थीम थी इस साल के लिए फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ओके। कुछ लोग कहते हैं हमें राइटिंग नहीं समझ में आती है, जो भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ वो ऑब्वियसली बोलती हूँ, तो आप थोड़ा सा वॉइस पे फोकस कर सकते हैं अगर आपको राइटिंग से इशू है तो। विच इज़ द थीम स्टेट ऑफ द 35th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022? सबसे पहले ये मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? फरीदाबाद में, और फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। और इसके लिए थीम स्टेट चूज किया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2022? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 15 मार्च को, और इस साल के लिए थीम थी फेयर डिजिटल फिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डेजिग्नेट कंट्रीज एज द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बेस्ड ऑन देयर सपोर्ट टू एक्ट्स ऑफ टेररिज्म? एक्चुअली US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास ये पावर होती है कि वो उन कंट्रीज को डेजिग्नेट कर सकते हैं एज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, अगर वो लगातार पाए गए टेररिज्म को सपोर्ट करते हुए, ठीक है। तो हाल ही में ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने US प्रेसिडेंट जो बाइडेन को ये रिक्वेस्ट किया है कि वो रशिया को इस कैटेगरी में डालें, ठीक है। तो ऑलरेडी इसमें 4 कंट्रीज मौजूद हैं, कौन कौन सी? सीरिया, 2nd है ईरान, 3rd है नॉर्थ कोरिया, और 4th है क्यूबा, ठीक है। तो अब यूक्रेन का ऐसा कहना है कि रशिया को भी इस लिस्ट में USA को इंक्लूड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो बस इसी वजह से ये न्यूज़ में था। अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। चार मॉन्यूमेंट्स विच वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली आर लोकेटेड इन विच कंट्री? एक्चुअली हुआ क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम, इन्होंने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया ऑन द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया और वियतनाम के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अकेजन पे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी कहा कि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट था इन द रिस्टोरेशन ऑफ चाम मॉन्यूमेंट्स, और ये कहाँ पे है? वियतनाम में, ठीक है। साथ ही साथ दोनों लीडर्स ने इस बात पे भी एग्री किया कि हम अपनी डिफेंस की पार्टनरशिप को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। विच कंट्री हैज साइंड अ डील विद रुवांडा टू रिलोकेट एसाइलम सीकर? आंसर हो जाएगा UK। विच कंट्री डेजिग्नेट कंट्रीज एज द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टूरिज्म एज द स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बेस्ड ऑन देयर सपोर्ट? ये भी हमने किया है, आंसर हो जाएगा USA। प्रवीण कुमार जगन्नाथ Who was seen in the news recently is the Prime Minister of which country? आंसर है Mauritius, ठीक है। ये Mauritius के Prime Minister हैं, और ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि अब ये participate करेंगे हमारी 2 सेरेमनी में। First है World Health Organization की
ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि होगी जामनगर गुजरात में, और सेकंड है ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, ये कहाँ होगी? गांधीनगर में। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इनविटेशन पे इनका हाई लेवल डेलीगेशन अराइव कर चुका है इंडिया के लिए। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022? एक्चुअली डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑफ इंडिया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्चुअली इन द सिंगापुर इंटरनेशनल वाटर वीक। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने अब प्रेजेंटेशन दी है कि क्या स्टेटस है वेस्ट वाटर जनरेशन का इंडिया में, और कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और किस तरह से उसका फर्दर मैनेजमेंट होता है। ओके, तो सिंपली याद रखिएगा, होस्ट कौन था इस इवेंट का? सिंगापुर। विच कंट्री सप्लाइज S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू इंडिया? इसको सप्लाई करता है रशिया इंडिया को। शेंजू 13 इज द लॉन्गेस्ट क्रूड स्पेस मिशन ऑफ विच कंट्री? तो ये चाइना का मिशन है, और हाल ही में इसको 183 डेज के बाद वापस अर्थ पे लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दैट इज फेमा रूल्स हैव बीन अमेंडेड टू अलाउ द डैश परसेंट ऑफ FDI इन LIC। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने अमेंड किया है फेमा रूल्स को, जिसके बाद अब 20% FDI अलाउ हो चुकी है LIC में। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट एक्चुअली प्लान कर रही है कि जो उसका स्टेक है LIC के अंदर उसको डायल्यूट किया जाए थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने अमेंड कर दिया FDI पॉलिसी को, ताकि जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है LIC का वो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट हो सके। ठीक है, और इसके अलावा SEBI ने भी अप्रूवल दे दिया है ड्राफ्ट पेपर्स ऑफ LIC को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20%। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट और बिल देखते हैं एक बार। पॉइजन बिल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? एक्चुअली फिनेंस की फील्ड में जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं मर्जर और एक्विजिशन से, लिमिटेड ड्यूरेशन शेयर होल्डर राइट प्लान को लेके, उनको हम कहते हैं पॉइजन बिल। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या है सिंपल लैंग्वेज में, एलॉन मस्क ने टेक ओवर बिट किया था, जिसमें ट्विटर ने अडॉप्ट किया है पॉइजन बिल को, जिसके बाद ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो परचेज कर सकते हैं फ्रेशली इशूड शेयर्स को कंपनी के अंदर डिस्काउंट रेट पे, मतलब ट्रेडिंग प्राइस पे नहीं बल्कि डिस्काउंट प्राइस पे। ठीक है, तो ये एक तरह का बायआउट प्लान है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा किस फील्ड से रिलेटेड है, एक्विजिशन ऑफ कंपनी। इतने डीप कॉन्सेप्ट शायद आपको समझ नहीं आएंगे, बस सिंपली याद रखिएगा कि एक्विजिशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड है कुछ। विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड $51 billion एक्सटर्नल डेट डिफॉल्ट? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हु टॉप द फोर्ब्स 36th एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनेयर लिस्ट ऑफ 2022? इसको टॉप किया है टेस्ला के CEO एलॉन मस्क ने। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 दैट वॉज पास्ड रिसेंटली? आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हाउ मेनी इंडियंस फीचर इन द फोर्ब्स बिलियनेयर लिस्ट 2022? टोटल 166 बिलियनेयर प्रेजेंट थे इसमें इंडिया से। विच इंडियन बिलियनेयर टॉप्ड द ह्यूरॉन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 इन द कंट्री? तो इसमें तीन वुमेन इंडिया की फीचर हुई हैं, और कौन है ये? फर्स्ट हैं इसमें फाल्गुनी नायर, जो कि है नायका से, सेकंड हैं किरण मजुमदार शॉ, और थर्ड हैं राधा विम्बू। ठीक है, विच स्टेट पास्ड अ बिल सीकिंग टू रेगुलेट स्ट्रे कैटल इन द अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट? आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज साइंड अ डील विद रवांडा टू रीलोकेट द असाइलम सीकर्स? एक्चुअली UK ने ये डील साइन की है रवांडा के साथ में, जिसके अंदर में असाइलम सीकर्स को सेंड किया जाएगा ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK बोरिस जॉनसन ने ये बोला है कि जो भी लोग UK में इलीगल तरीके से एंटर कर रहे हैं, उनको अब रीलोकेट किया जाएगा रवांडा की तरफ, और इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने ये भी कहा है कि जो डील है ये बहुत सारे ह्यूमन राइट कंसर्न्स को अराइज करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस पायलट स्कीम के तहत UK जो है रवांडा को पे करेगा 120 million euros इनके हाउसिंग और दूसरे टाइप के इंतजाम के लिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट डील देखते हैं। स्टेट ओन्ड NHPC साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन?
तो एनएचपीसी ने ये साइन किया है हिमाचल प्रदेश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के डेवलपमेंट के लिए. इंडिया साइंड अ न्यू स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस अरेंजमेंट विद विच कंट्री. आंसर हो जाएगा यूएसए. अकॉर्डिंग टू द सेबी ऑर्डर, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम द टू कंपनीज नेमली रिलायंस पावर एंड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर. तो दो कंपनीज में मिस्टर अनिल अंबानी पहले डायरेक्टर थे, लेकिन सेबी के ऑर्डर के बाद इन्हें रिजाइन देना पड़ा अपना. विच बैंक साइन द पार्शल गारंटी पैक्ट विद ADB दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट द सप्लाई चेन फिनेंसिंग. ये कौन सी बैंक है? एक्सिस बैंक. ठीक है, इसके बारे में एक बात और याद रखिएगा कि हाल ही में RBI ने पेनल्टी लगाई थी दो बैंक्स के ऊपर 93 लाख रुपीज़ की ईच. ठीक है, दोनों बैंक्स को 93 लाख रुपये देने पड़े. और ये कौन सी बैंक है? फर्स्ट इसमें है एक्सिस बैंक और सेकेंड है IDBI बैंक. Which Indian state signed a pact with WWF India to develop the state biodiversity strategy and action plan? ये कौन सा state है? अरुणाचल प्रदेश. India signed a memorandum of understanding with which country to set up the maritime rescue coordination center? India इस center को set up करेगा मॉस्को में, और इसके लिए इन्होंने deal sign की है किसके साथ? श्रीलंका के साथ. ठीक है, Which global payments company is associated with the world's first क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड? इसके लिए क्रिप्टो लैंडर नेक्सो ने पार्टनर बनाया है ग्लोबल पेमेंट कंपनी मास्टर कार्ड को, और साथ में अब ये लॉन्च करेंगे दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड. ठीक है, तो ये जो कार्ड है ये अभी अवेलेबल है सिलेक्टेड यूरोपियन कंट्रीज में, और ये यूजर्स को अलाउ करती है कि वो स्पेंड कर सकते हैं अपने डिजिटल असेट को बिना बेचे. ठीक है, डिजिटल असेट मतलब फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन. तो ये जो कार्ड है ये यूज़ कर सकते हैं अबाउट 92 मिलियन मर्चेंट्स पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मास्टर कार्ड एक्सेप्ट होता है. ठीक है, और ये इन्वेस्टर्स को अलाउ करेंगे कि वो अप टू 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर क्रिप्टो असेट स्पेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड. अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी. रैकेट बैंकिसर हेल्थ केयर इंडिया हैज सोल्ड द डर्मिकूल टू विच कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी? तो इन्होंने अब डर्मिकूल को सेंड कर दिया है इमामी कंपनी को. प्रोजेक्ट क्वीपर इज अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट ऑफ विच मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी? क्वीपर जहां भी नाम दिखाई देगा आंसर हो जाएगा अमेजॉन. वैगनर ग्रुप इज अ प्राइवेट मिलिट्री कंपनी ऑफ विच कंट्री? तो ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है रशिया की, और हाल ही में इसको यूक्रेन में पाया गया है. विच इंडियन कंपनी हैज पार्टनर्ड विद कैनेडाज लार्जेस्ट पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड पेमेंट्स कैनेडा? ये कंपनी कौन सी है इंडिया की? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. Which state-run company has partnered with Larsen & Toubro and Renew Power for a joint venture for green hydrogen? तो Indian Oil Corporation Limited ने partner बनाया है Larsen & Toubro और Renew Power को, और साथ में अब ये create करेंगे एक joint venture green hydrogen के लिए. Ministry of Corporate Affairs issued the certificate to which of the following farmer producer tea company recently? Answer हो जाएगा महानंदा जीविका महिला एग्रो बिजनेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री लॉन्च्ड द ज़ोंगजिंग 6D कम्युनिकेशन सैटेलाइट? नाम से ही पता चल रहा है कि चाइना के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में दो मिशन को लॉन्च किया है एक ही दिन, जिसमें कि लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट ने लिफ्ट किया ज़ोंगजिंग 6D को. ये एक तरह का स्पेशल कम्युनिकेशन सैटेलाइट है रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम के लिए. ठीक है, और अब ये सैटेलाइट प्रोवाइड करेगा HD videos, रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट सर्विसेज across द साउथ चाइना सी, साउथ ईस्ट एशिया एंड द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज. ठीक है, वहीं जो लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट था उसने लॉन्च किया है एक नया एटमोसफियर मॉनिटरिंग सेटेलाइट उसकी ऑर्बिट में. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट सेटेलाइट देख लेते हैं एक बार. NROL-85 which was launched recently is an intelligence satellite of which country? तो हाल ही में स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है एक स्पाई सैटेलाइट फॉर द US नेशनल रिकनेंस ऑफिस. ठीक है, इसको लिफ्ट किसके थ्रू कराया गया? 2-stage का फाल्कन 9 रॉकेट. ओके, विच कंट्री लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गाओफेन 303? आंसर हो जाएगा चाइना. विच कंट्री हैज डेवलप्ड RKA मीन्स रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर विच कैन डिस्ट्रॉय द सैटेलाइट्स इन टू स्पेस? तो RKA ये एक तरह का एम्पलीफायर है जो डेवलप किया है चाइना ने, और इसकी हेल्प से अब ये
सैटेलाइट्स को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं स्पेस में. विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्च्ड मिलिट्री सैटेलाइट नोड 2 इनटू द ऑर्बिट. इसको लॉन्च किया है ईरान ने. विच कंट्री हैज रिसेंटली टेस्टेड रिकनेंस सैटेलाइट सिस्टम. आंसर इज नॉर्थ कोरिया. विच स्पेस मिशन और सैटेलाइट ऑफ इसरो हैज डिटेक्टेड द सोलर प्रोटॉन इवेंट्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. तो ये हमने डिटेक्ट किया है थ्रू आवर चंद्रयान 2 मिशन. विच कंट्रीज रिसर्चर्स ज्वाइंट इसरो फॉर डेवलपिंग अ सैटेलाइट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ताइवान ने ये डिसाइड किया है कि वो इसरो के साथ में मिलकर पहली बार एक सैटेलाइट डेवलप करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेफनोस सिट्सिपास हु वन द मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 इज अ टेनिस प्लेयर फ्रॉम विच कंट्री. तो ग्रीक एस टेनिस प्लेयर स्टेफनोस सिक्स्थ मैन बन गए हैं ओपन एरा के, जिन्होंने इस टाइटल को जीता है. ऑल्टो ने हराया है अलेक्जेंड्रो फोकिना को. ठीक है, और इसी के साथ ये इनका 8th ATP टूर टाइटल है और इनका सेकेंड मास्टर्स है 1000 टाइटल का. ठीक है, और अभी ये प्रेजेंट में वर्ल्ड नंबर 5 हैं इन द WTA लिस्ट. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट टेनिस रिलेटेड करेंट अफेयर्स देखेंगे. इगा स्वियातेक हु हैज़ बिकम द वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन वर्ल्ड नंबर 1 इज फ्रॉम विच कंट्री. तो ये वर्ल्ड नंबर 1 है और कौन सी कंट्री से है? पोलैंड. अश्ले बाल्टी हु रिटायर्ड फ्रॉम हर टेनिस कैरियर रिसेंटली इज फ्रॉम विच कंट्री. अश्ले बाल्टी ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है और ये हैं ऑस्ट्रेलिया से. विच टेनिस प्लेयर वन द मैक्सिकन ओपन टाइटल 2022? आंसर हो जाएगा राफेल नडाल. राफेल नडाल कौन सी कंट्री से हैं? स्पेन. हु इज द फर्स्ट मेल टेनिस स्टार टू विन 21 ग्रैंड स्लैम टाइटल? फिर से आंसर है राफेल नडाल. विच टेनिस प्लेयर वन द मेलबर्न समर सेट ATP 250 इवेंट टाइटल? फिर से आंसर है राफेल नडाल. विच इंडियन टेनिस स्टार रिसीव्ड द कर्नाटक राज्य उत्सव अवार्ड बाय CM BS बोमई ऑन 30th of November 2021? आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. डी विश हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एन एस प्लेयर ऑफ विच पर्टिकुलर गेम. एक्चुअली ये 18 साल के टेबल टेनिस प्लेयर थे. कहाँ से? तमिलनाडु से. और इनका हाल ही में निधन हो गया ड्यू टू अ रोड एक्सीडेंट. बहुत शॉकिंग था ये. और ये एक्सीडेंट भी कब हुआ? जब ये जा रहे थे पार्टिसिपेट करने इन द 83rd सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप. ठीक है, तो इन्होंने जीता था यूथ अंडर 19 बॉय सिंगल टाइटल इन द नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट जो कि जनवरी 2021 में कंडक्ट हुआ था. उसके बाद ये रनर अप रहे थे साउथ जोन रैंकिंग टूर्नामेंट में जो कि हुआ था दिसंबर 2021 में. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट हम पर्सनालिटीज देखेंगे अगली स्लाइड में जिनका हाल फिलहाल निधन हुआ है. जैक हिगिंस हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन? ये एक राइटर थे. पंडित लच्छू महाराज हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद वॉट? ये हैं तबला एक्सपर्ट. द लोकसभा पास्ड अ बिल टू मर्ज 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ विच सिटी इनटू अ सिंगल एंटिटी. तो लोकसभा ने डिसाइड किया है कि 3 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस ऑफ न्यू दिल्ली को अब मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी बना दिया जाएगा. विद सीनियर कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली? ये एक्चुअली बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं. फिर भी आंसर अगर आप जानना चाहते हैं तो आंसर है सदानंद सिंह. ठीक है, रिसेंटली गणेश शंकर विद्यार्थी फ्रॉम नवाडा पास्ड अवे. ही वॉज अ डैश. ये एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे. यूगेनी पार्कर हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? ये हैं साइंटिस्ट. ठीक है, ये थे साइंटिस्ट. अब कुछ और इंपॉर्टेंट नेम्स देखेंगे जो हाल फिलहाल हमें छोड़ के जा चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसमें सबसे पहला नाम है लता मंगेशकर जी का. इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दादा साहेब फाल्के, भारत रत्न, पद्म भूषण और भी बहुत सारे. फिर सेकेंड है इसमें बप्पी लहिरी, म्यूजिक कंपोजर थे ये और इनका भी निधन हो गया है. और थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसमें जो बंगाली सिंगर भी हैं, संध्या मुखर्जी. ठीक है, ये भी हाल ही में पास अवे हो चुकी हैं. और ये नाम क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पद्म अवार्ड्स 2022 के दौरान इनको पद्म भूषण नवाजा गया लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था. ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था उस अवार्ड को. अब आपको कमेंट्स में लिखना है कि संध्या मुखर्जी के अलावा दो और कौन ऐसे लोग हैं जिनको पद्म भूषण नवाजा गया लेकिन उन्होंने लेने से मना किया था इस साल के पद्म अवार्ड के दौरान. आप उनका नाम कमेंट्स में लिख सकते हैं. ठीक है,
Next question. Durban, which has been hit by storms and heavy rains, is a city in which country? एक्चुअली साउथ अफ्रीका का जो ईस्टर्न रीजन है वो अभी बहुत ज़्यादा हिट हुआ है रेन से, और यहाँ पे एक बहुत डेडलीस्ट स्टॉर्म भी स्ट्राइक किया था अभी हाल फिलहाल, ठीक है, और इसके बाद यहाँ 400 लोगों की डेथ हुई और बहुत सारे लोग बेघर हो गए. तो सबसे ज़्यादा जो सिटी अफेक्टेड हुई वो थी दरबन, और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 1 बिलियन रैंड मतलब $68 मिलियन एमरजेंसी रिलीफ फंडिंग के तौर पे, ठीक है. तो आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका. अब कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ एक बार रिवाइज करते हैं. ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, तो जैसे ही स्लाइड आया करे आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक एक करके एक बार मन में गेस कर सकते हैं आंसर, ठीक है. इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा रिवाइज करके रिटेन भी कर पा रहे हैं अपने दिमाग में, ओके. तो ये नहीं सोचा करिए कि बस ऐसे ही बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ये तो कर चुके हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप रिवाइज करने के साथ साथ आप उसको कितना ज़्यादा याद रख पा रहे हैं, ठीक है. इसी वजह से, इसी पर्पज से हम लोग इसको बार बार स्लाइड्स में डाल देते हैं. द प्रधानमंत्री संग्रहालय म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच सिटी. ये कहाँ है, न्यू दिल्ली में, हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है. विच इंडियन सिटी हैज़ बिन रिकोगनाइज एज वन ऑफ द 3 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इन 2022. आंसर हो जाएगा हैदराबाद. इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट स्टील वेस्ट रोड बिल्ट. तो इंडिया की पहली स्टील वेस्ट रोड बनेगी सूरत में. इन विच सिटी वॉज द डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क रिसेंटली इनोग्रेटेड. आंसर है ईस्ट दिल्ली. द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इन इट्स रिसेंट असेसमेंट रिपोर्ट मैंशनड विच इंडियन सिटी फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन. आंसर हो जाएगा कोलकाता. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021. इसके लिए होस्ट है बेंगलुरु, ठीक है, और ये इसका सेकेंड एडिशन है. फर्स्ट एडिशन इसका कहाँ हुआ था, उड़ीसा में, और इस गेम के लिए मास्कट क्या डिसाइड हुआ है, वीरा, जो कि एक एलिफेंट है, ठीक है. तो अब आ जाते हैं क्विज पे. ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स पे लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा. बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे. विद दिस मीनू हसना साइनिंग ऑफ.